अभी हम खाएंगे पनीर। काकू मजा लगा नहीं? नए जगह पर आए हैं जो अगर जमी है और उसका नाम है नेचर पार्क। और हमने यहाँ पर टिकट वो ले लिया और इसका कॉस्ट करीब मुझे 30 रुपये पड़ा। और आज मंडे होने के कारण यहाँ पर कोई नहीं है जैसे आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो बाइक पार्किंग का चार्ज वो लेते हैं वो सब तो मुझे नहीं लगा आज। तो चलते हैं अंदर और अंदर जाके देखते हैं। तो ये इस तरह का गेट है यहाँ पर, चलते हैं अंदर। ये जो पार्क है पूरा टोटल 1 किलोमीटर का राउंड है ऐसा उनका बोलना है। सीधा जा चुका सा गाइड है, देखा गाइड है। तो भैया जैसे हम अंदर आ गए और अंदर आने के बाद आपको एक गाइड मिलेगा और ये गाइड कंपलसरी है, इनके लिए आपको कुछ चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो हमारे गाइड से आपको मिलवाता हूँ। अजी हाय करा, हाय बोला का? अच्छा हाथ हलवाना, हाथ हलवाना। हाँ तुमसे नाव का है? गिरजा भाई। गिरजा भाई का? तो ये हमारे गाइड है गिरजा भाई, हमको घुमाएंगे पूरा और क्या क्या कुछ है हमें बताएंगे। तो चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हिरन नीचे गिरा हुआ है और साइड में गिद्ध अपने शिकार को खाते हुए, अपने शिकार को नहीं ये लोग तो दूसरे का शिकार खाते हैं। और वहाँ पर लोमड़ी पीछे घूम रहा है, सॉरी वो लोमड़ी नहीं है दूसरा कुछ है, तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो चलते आगे। चला जी, यहाँ पर कैसे जंगलों में किस तरह से जानवर रहते हैं और वो शिकार करने के बाद किस तरह से खाते वगैरह, तो उस टाइप में कुछ बनाया है और लोगों को दिखाना चाहते हैं जंगलों में। अगर ऐसा तो नहीं होता कि हम हर चीज़ हमें देखने को मिले, बट ये लोग उसको मूर्ति टाइप बना के वो दिखा रहे हैं। पर हमारे गाइड हमारे पीछे, एक्चुअली मुझे धीरे धीरे चलना पड़ रहा है, गाइड स्लो है। और जगह जगह पर इस तरह के आपको इन्फॉर्मेशन दिए हैं, आप रुक के पढ़ सकते हो। मैं इसे थोड़ा सा वीडियो निकाल लेता हूँ, अगर आपको पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। और इसको बनाने का एक अलग भी तरीका है, जैसे हम जैसे मान करो हम जंगल में और फटाक से हम अपने से निकल आए, तो ये देखो इस तरह से कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। लोग बनाते वक्त सोच अलग बनाए कि हाँ हम जंगल में जा रहे हैं तो उस तरह का लगना चाहिए। ये चित्तल है और इसके पूरे बॉडी में वाइट वाइट डॉटेड है, तो उसके इसके बारे में उन्होंने वहाँ पे लिखा है, तो अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। तुम्ही तो मला काय सांगत नाही म्हटलं? जनावरांची माहिती। घर वगैरह बनवलं आहे का इकडं? घर वगैरह आहे का काही? घर आपण तिकडे आहे सांगू। तिकडे आहे ना? तुम्ही इथलेस का? आगर जिल्ह्याचे का? ये है छोटा सा पुल और जैसे हम इसे एंटर करते हैं यहाँ पर बगड़, तो बगड़ा है ना काकू अजी? हाँ हाँ बगड़ा। और ये जंगली सुअर, थोड़ा सा पास में जाके जंगली सुअर से बात करते। अरे यहाँ पर जंगली भैंस, इसी को रियल लाइफ में अपने देखा है। अगर आपने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको मगर देखने को मिलेगा और सब में सबका डिटेल मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आपको अच्छे से अगर पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। और यहाँ पर मगर का नज़ारा ये है, मगर मगर का मुंह खुला रखना चाहिए था क्योंकि दिख नहीं रहा है। ये है मगर, ये है मगर, और मगर मगर मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो सांबर, एक ही ब्लॉग में आपको सब कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं, बस ये है कि वो जिंदा नहीं है। देखेंगे कभी ना कभी देखेंगे, लेकिन इस तरीके का आप देख नहीं सकते जो खुले में ऐसे पास से, लेकिन आपको आपको फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। और बहुत कुछ है यार यहाँ पे। अब आपको हम दिखाएंगे असवल, कहाँ है बेटा असवल? ये है असवल। तो भैया वो नन्ना असवल उसके माँ के पेट के ऊपर चढ़ा है, पीठ के ऊपर। और ये छोटा वाला भाई मत जा, सांप भी निकलेंगे काट देंगे। और ये बड़ा असवल,
सो जा बेटा, सो जा सो जा। अभी यहाँ आपको दिखाएंगे रॉयल बंगाल टाइगर, और ऐसे मैं भी बंगाल टाइगर छू, बस कमेंट में गाली मत देना अभी। तो रॉयल बंगाल टाइगर आपको देखना है, तो ये रहा रॉयल बंगाल टाइगर। तो अभी मैं अकेला आया था, तो अकेले में एक प्रॉब्लम होता है कि आपको फ़ोटो निकालने में कोई मदद नहीं मिलती, आपको खुद से करना पड़ता। लेकिन हमारे गाइड इतने अच्छे हैं कि हमें फ़ोटो भी निकाल के दे रहे, लेकिन उनको सिखा मैं रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या देखेंगे आप, ये आप देखोगे नील गाय। और पहले की तरह मैं फिर से बोलूँगा कि आपको अगर पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ो। अचानक आप कहीं भी जंगल में जाते हो ना, तो अचानक भी चीज़ें दिखते हैं ना उस तरीके से, जैसे अब आप देख रहे हो अभी पटक से आपके सामने नील गाय आता है। और भाई क्या हाल है, सब बढ़िया? खर्चा बनी चाहिए कुछ? अभी हम देखेंगे रान कुत्रे। तो ये है रान कुत्रे। कैसी झाड़ है? धोती है, धोती रान बोरा। हाँ रान बोरा, रान बोरा है का? खतना है, खतना है ना। तो अभी हम देखेंगे बिपटिया। बिपटिया कोटिया रे, बिपटिया 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 कहा है यार, कहा है? अरे उत्तरी, कसला माणूस रे तू, हा एवढा चांगला बंदराले खाऊन टाकला, मारला, पाप लागणार तुला, आणि बघत आहे माझ्याकडे काय रे। तो यहाँ पर हमने जानवर तो देख लिए, लेकिन अब हम देखेंगे गांव कैसा रहता था, मतलब गांव कैसा रहता है पहले के ज़माने में, और वैसे भी अभी भी इसी तरीके रहते हैं। तो पेश है आपके सामने गांव के घर। इसको बोलते हैं डोली, इसमें धान वगैरह रखा जाता है, जो गांव में वगैरह धान रखते हैं, धान रखने के काम में आता है, और इसको स्टोर ओवर करके रखते हैं धान, चावल नहीं रखते। तो ये है बैल मंडी। गांव में जो लोग रहते होंगे उनको तो पता ही होगा कि बैल मंडी इस तरीके का रहता है, सिंपल सा। यहाँ पर दो खूंटे रहते, यहाँ पर बैल लगती है एक दो, और ये इस तरह का कुछ रहता है। अगर आप शहर में हो तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन गांव वाले को पता होगा। और घर गांव के घर कैसे रहते बताता हूँ। ये इस तरह का घर रहता है, उसके साइड में उसका जो चूल्हा, आंगन बोलते हैं ना, जो किचन रूम, उसके साइड में रहता है। तो सबसे पहले मैं किचन रूम दिखा देता हूँ। तो इस तरह का कुछ ये किचन रूम रहता है, और यहाँ पर बनाया हुई है ऐसा लग रहा है। तो इस तरह का कुछ है, ये देखो आयनक, पूरे इन्होंने सेम गांव में जैसा रहता है उस तरह का बनाया। आंटी जी क्या बना रहे हो? हाँ अब काय बनाता है? मटर पनीर मी पन खानार दिनार का मला। पूरा कवेलू निकाल दिए, और यहाँ पर हेरी के ये देख लो, बचपन में बहुत बार देखा मैंने इस चीज़ को, इसको बोलते हैं हेरिकेन। और मुझे ये सब इतने इसलिए पता है, मतलब इतना डिटेल में इसलिए पता है क्योंकि अपन मेरे गांव का ही, बहुत मजे आते थे इसमें केरोसिन भर के हम रात भर जलाते थे, फिर सुबह दूसरा केरोसिन। तो अभी हम खाएंगे पनीर। काकू लिथा लगा ले, हाय खुशबू, मिट्टी की खुशबू, खाने की खुशबू नहीं आ रही, पहचानते होंगे आप लोग। निकलते हैं, काम चालू है अभी भी, अब तक नहीं हुआ। और यहाँ पर साइड में मटका, जैसे कि हर गांव में हम जब जाते हैं तो ये देखने को मिलता है, सिटी के हो तो आपको पता नहीं होगा, तो गांव में जाकर थोड़ा दिखा करो। तो यहाँ से भी निकलते हैं, ये कुछ व्यू है गांव का, देख रहो ये कवेलू को बनाया है, साइड में किचन।
अभी जो आपने पूरा नेचर पार्क दिखा है ये गवर्नमेंट का नहीं है, ये लगा गवर्नमेंट का है। ये एक्चुअली बचतगढ़ के जो लोगों ने मिलके बनाया, इस गांव के लोगों ने, और काफ़ी अच्छा बनाया। मुझे लग रहा था पहले 30 रुपये वेस्ट गए, लेकिन नहीं, पैसा वसूल हो गया, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप देख सकते हैं कि लोगों के हिसाब से लोगों को क्या अच्छा लगता। तो हमारे गाइड तो मैंने पहले भेज दिया था, मैं फिर से एक बार घूम के आया, तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। तुम्हें माला बहुत हेल्प के लिए फोटो काढ़ासाठी धन्यवाद साठी। वही आज का व्लॉग यहीं तक, और जगह काफ़ी मुझे अच्छा लगा। अभी आ सकते हो अगर आपको नेचर देखना अच्छा लगता है, मतलब जंगल के अंदर घूमना अच्छा लगता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और उसके साथ आपको जो जानवर वगैरह देखने को मिलेगा, डमे मिलेंगे, लेकिन काफ़ी अच्छा है, और आप आ सकते हो। 30 रुपये लगते हैं। अगर आप संडे को आते हो तो संडे को आपको थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग चार्ज वगैरह है, 5 रुपये बट लग सकते हैं। लेकिन आज मुझे नहीं लगा, क्योंकि लोग कम थे और पार्किंग वाला नहीं है यहाँ पे। और जो आते वक्त गेट पे मुझे 10 रुपये का 25 रुपये लगता है, वो भी नहीं लगा। लेकिन जाते वक्त देखना पड़ेगा, ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, तो कुछ मेरा 25-30 रुपये बच गए। अच्छा लगा मुझे सोमवार को आके, और जगह काफ़ी अच्छा है, आप आ सकते हो। 30 रुपये आपको अंदर घूम सकते हो, और आपको एक गाइड भी मिलेगा, गाइड काफ़ी अच्छे हैं, और हमारी आजी थी, काफ़ी अच्छा लगा। तो वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो के लिए आप कौन सा बता सकते हो, और कुछ सजेशन है आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं नए सफर में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।